तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेटिव फंडा पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट वन की, जो कि ये वीडियो पार्ट फोर है। और इसमें हम बात करने वाले हैं 76 से लेके 100 तक के सारे क्वेश्चंस की। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जीके के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने जो जीके के 25 क्वेश्चंस थे 50 से लेके 75 तक, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किए। इन सभी प्रैक्टिस सेट की जो वीडियोस हैं, आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी इन सारी वीडियोस को आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये 76 से लेके 100 तक के सारे जीके के क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो यूपी के किसी भी एग्ज़ाम से आप तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप मंडी परिषद की एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर UPPCS लोअर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जिसमें कि चकबंदी के अधिकारी की वैकेंसी आई हुई थी, अपर जिला सूचना आयुक्त, राजस्व निरीक्षक और खाद्य रसद विभाग और विपणन निरीक्षक की पोस्ट थी। अगर चाहे आप जेल बॉर्डर की तैयारी कर रहे हो, फायरमैन, घुड़सवार, तो आप कोई भी यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं वो यूपी के एग्ज़ाम के हिसाब से ही बनाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम 76 से आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 76 क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं उसका क्या नाम होता है। तो देखिए, जो प्रथम पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं, और होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का लोक नृत्य है। तो असम का जो लोक नृत्य है वो है बिहू, ऑप्शन ए। जबकि हम गरबा की बात करें तो ये गुजरात का होता है, और अगर हम बात करें भांगड़ा तो ये पंजाब का है। ठीक है, अगला 79 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कौन से सितारवादक नहीं है। तो देखिए, 79 क्वेश्चन है, इसमें अमजद अली खान जो है एक सरोद वादक हैं, तो ये जो है सितारवादक नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है। तो फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है वो पुणे के अंदर स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, और इसकी जो स्थापना थी वो 1960 में की गई थी पुणे के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राकेश शर्मा को प्रसिद्धि किस क्षेत्र से थी। तो आप सभी जानते होंगे राकेश शर्मा जो थे वो क्या थे, एक अंतरिक्ष यात्री थे, और ये वायुसेना के स्क्वाड लीडर थे। ठीक है, और ये रूसी यात्रियों के साथ सोयूज टी, ठीक है, T-11 एक अंतरिक्ष यान था, उसमें बैठकर ये अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और 19 नवंबर की अगर हम बात करें तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, इसमें पूछा गया है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है। तो ये जो पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। तो कौन सा पर्वत जो है पूर्वोत्तर भारत में नहीं है, तो अगर हम बात करें धौलाधर जो पर्वत है वो पूर्वोत्तर भारत के नहीं है, और अन्य सभी पर्वत पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो बिहार राज्य इसमें ऐसा है जिसमें सर्वाधिक जो है जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कौन बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, बाल्टिक राज्य के रूप में कौन कौन जाना जाता है, एस्टोनिया और जो है लाटविया और लिथुआनिया, ये सभी जो हैं क्या है बाल्टिक राज्य के रूप में जाने जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। कौन सा लौह इस्पात का केंद्र नहीं है, तो देखिए पटना जो है वो लौह इस्पात का केंद्र नहीं है, जबकि जमशेदपुर में टाटा स्टील
और अगर हम बात करें दुर्गापुर में और एवं सलेम के अंदर जो है वो सेल से संबंध लौह इस्पात होता है। तो ठीक है, तो पटना के अंदर कोई भी लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है। तो इसकी जो होगी वो होगा ऑप्शन डी यानी मतानधता। ठीक है, इसमें किसी भी परिस्थिति या समस्या के संदर्भ में प्रभावी निर्णय लेने के लिए निर्णयकर्ता में पहल और व्यापकता और लचीलेपन, ये तीनों होने चाहिए। और जबकि अगर हम मतानधता की बात करें तो ये एक प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है। मतानधता की स्थिति में क्या होता है, निर्णयकर्ता एक पक्षीय निर्णय लेता है और जो कि संबंधित समस्या का उपयुक्त समाधान नहीं होता। तो डी इसका लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 89 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आप किसी शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे। तो आपके लिए इसका 89 का आंसर बताना है। तो 89 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी बालिका शिक्षा को। ठीक है, और बालिका शिक्षा को आप प्राथमिकता देंगे। अगला है, किसने महिला सशक्तिकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल नारी का उद्घाटन किया, इसमें बताना है। तो ऑनलाइन पोर्टल जो जारी किया है वो है मेनका गांधी ने किया है, और मेनका गांधी ने नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया था। और इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो है मेनका गांधी। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में अटल बिहारी मेमोरियल पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है, तो कौन सी सरकार ने ऐसा किया है। तो ये किया झारखंड सरकार ने 24 अगस्त 2018 को, ये जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके नाम पर एक अटल बिहारी मेमोरियल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। ये पुरस्कार जो है साहित्यिक क्षेत्र से, पत्रकारिता से और सुशासन के क्षेत्र से में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन सभी को दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 देखते हैं। इसमें पूछा क्या है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 11वें जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका जो आयोजन था वो कहाँ किया गया, तो ये किया गया था मॉरिशस, मॉरिशस के अंदर। ठीक है, और ये जो 18 से 20 अगस्त तक चला था 2018 में। और अगर हम बात करें तो इस आयोजन में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से किया गया था, और इसका मुख्य विषय था हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो इसका आपको विषय याद रखना है, हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। चलिए नेक्स्ट 93 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया, हाल ही में भारत के किस स्थल की यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स को जो है सांस्कृतिक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत के कुल कितने हैं, वो 37 स्थल जो हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, यूएफा चैंपियन लीग जो 2017-18 का खिताब लिवरपूल को हराकर किस टीम ने जीता। तो ये जो था यूएफए का यूक्रेन में संपन्न हुआ था, और फाइनल में जो रियल मैड्रिड था उसने लिवरपूल को 3-1 से हराकर खिताब जीता था। तो किसने जीता, रियल मैड्रिड ने। चलिए नेक्स्ट था, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी थी। तो इसकी लंबाई आपको बतानी है कितनी है, तो ये है 135 किलोमीटर, और ये इतना लंबा एक्स राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर और 2 पर परिवलयाकार से विस्तृत किया गया है। अगला है, यूनेस्को में हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ में शामिल कुंभ मेला को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित से किस जगह को कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता, तो बताना है कुंभ मेला कहाँ पर नहीं होता। तो देखिए, कुंभ मेले का जो आयोजन है वो 4 जगहों पर किया जाता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। तो यहाँ पर प्रयागराज में होता है, उज्जैन में होता है और हरिद्वार में होता है, लेकिन प्रयाग के अंदर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट 97 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया, चौथी ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2018 कहाँ संपन्न हुई थी। तो ये जो ब्रिक्स की जो मीटिंग थी वो कहाँ संपन्न हुई, वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और दक्षिण अफ्रीका में जो जगह है वो है डरबन। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट था 98, भारत में सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म आपको बतानी है। तो ये जो फिल्म थी वो थी गोल्ड, ये सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी, और इसमें रजनीकांत अभिनीत फिल्म काला जो थी सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली भारतीय टॉलीवुड फिल्म थी। ठीक है,
अगला हम बात करें एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं तो इसमें एशियाई खेल थे वो पालेमबांग यानी इंडोनेशिया के अंदर हुए थे, और इसमें महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो राही सरनोबाद थी उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था, और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला हम 100 क्वेश्चन देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया 10 जुलाई 2018 को जारी वैश्विक नवाचार सूचनांक जो हुआ उसमें अनुसार भारत का स्थान आपको बताना है, तो इसमें देखिए इसमें जो भारत का स्थान था वो 126 देशों की जो सूची थी उसमें 57वां स्थान था, और जो स्कोर था 35.18 था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 126 देशों की जो सूची थी उसमें भारत का स्थान 157वां स्थान था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 100 तक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लिया है, बाकी के जो 100 क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करके शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। और दोस्तों इससे पहले जो हमने वीडियोज़ बनाई हुई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।